यदृच्छा च उपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पारथ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरफ लाभ होगा।